वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दिग्गज अभिनेत्री रीता बहादुरी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि इन दिनों टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शौक की लहर है, क्योंकि एक बार फिर से बॉलीवुड की टीवी इंडस्ट्री की ये दिग्गज अभिनेत्री यानी रीता बहादुरी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं। जहां अभी तक भी डॉक्टर हंसराज हाथी यानी टीवी के फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हंसराज हाथी का निधन हर किसी के लिए सदमे से कम नहीं था, जहां अभी तक भी सदमे से उनके फैंस, उनके चाहने वाले बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो वहीं अब हाल ही में रीता बहादुरी के निधन से एक बार फिर से हर कहीं शोक की लहर। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको रीता बहादुरी की जिंदगी से कुछ ऐसी खास खबरों से रूबरू कराने वाले हैं, कुछ खास बातों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो शायद ही आपको पता हो, जिसमें सबसे पहली बात कि उन्हें अमिताभ बच्चन की साली कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, गौर हो कि अमिताभ बच्चन की पत्नी यानी फेमस एक्ट्रेस जया बहादुरी और रीता बहादुरी को सरनेम के चलते बहने कहा जाता था, और जब भी रीता से ये सवाल किया जाता था कि क्या वो जया की सगी बहन है, तो अक्सर ही वो इस बात पर भड़क जाया करती थी। जब भी उनसे पूछा जाता था कि क्या आप अमिताभ की साली हो, तो हमेशा ही इस बात पर गुस्से से लाल हो जाती थी रीता बहादुरी, और हमेशा ही यही कहती थी कि वो कितनी बार ये बात बताएंगी कि जया से उनका कोई भी नाता नहीं है, क्योंकि अक्सर ही इन दोनों के सरनेम यानी बहादुरी की वजह से इन दोनों को बहने कहा जाता था। लेकिन इस बात से गुस्सा भी होती थी रीता, और आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों से रूबरू कराएंगे जो बड़े पर्दे से पीछे की हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री रीता बहादुरी के निधन से एक बार फिर से हर कोई सदमे में पहुंच गया है। दोस्तों, गौर किया जाए तो ये साल वाकई पर्दे के लिए, फिल्मी पर्दे, छोटे पर्दे के लिए बुरा साबित हो रहा है, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं इस साल की शुरुआत बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन से हुई थी। वहीं उनके बाद एक के बाद एक बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब जहां डॉक्टर हंसराज हाथी के निधन से हर कोई हिला हुआ था, वहीं अब रीता बहादुरी के निधन ने एक बार फिर से लोगों को हिला दिया, सदमे में डाल दिया। जहां हम रीता बहादुरी की जिंदगी के बारे में बातें कर ही चुके हैं कि उन्होंने ना जाने कितनी फिल्मों में काम किया और हमेशा ही उनकी अदाकारी को पसंद किया जाता रहा, वहीं उनके टीवी सीरियल्स को भी पसंद किया जाता रहा है। उन्होंने काफी सारे सीरियल्स में काम किया और काफी सारी फिल्मों में भी। तो वहीं बता दें कि लगभग 3 दशकों तक उनका फिल्मी करियर चला और आज भी भले ही वो हम सबके बीच में ना है, लेकिन उन्हें पसंद किया जाता है। उनकी जिंदगी की एक सबसे खास बात आपको बता दें कि उनका पूरा नाम है जया बहादुरी, और वही बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी यानी जया बच्चन का भी यही नाम था, जया बहादुरी। अब सरनेम की वजह से अक्सर ही रीता को जया की बहन बताया जाता था और कहा जाता था कि क्या वो अमिताभ बच्चन की साली है, क्योंकि जया बहादुरी और रीता बहादुरी का सरनेम एक ही था। लेकिन बता दें कि इस बात से काफी भड़क जाया करती थी रीता, और हमेशा ही कहा करती थी कि कितनी बार ये बताना पड़ेगा कि उनका जया से कोई कनेक्शन नहीं है, उनका नहीं है जया से कोई भी रिश्ता, तो फिर भला उनको अमिताभ बच्चन की साली क्यों बताया जाता है। लेकिन हमेशा ही उनके सरनेम के चलते लोगों के दिमाग में ही गलत फहमी रहती थी कि रीता और जया एक दूसरे की बहने हैं। हालांकि वो कई बार इन बातों पर सफाई भी दे चुकी थी, जहां अक्सर ही वो कहीं भी जाती और उनसे पूछा जाता था ये, तो वो गुस्से से लाल हो जाया करती। दोस्तों, वही बात करें दूसरी तरफ तो बता दें रीता ने कई सारी फिल्मों में काम किया और कई बार उनकी शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें अवार्ड से भी नवाजा जाता रहा है।
और आज भले ही वो हम सबके बीच में ना हो, लेकिन हमेशा ही अपनी यादों के सहारे जिंदा रहे। अब जैसा कि हम बता चुके हैं कि किडनी की बीमारी के चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले दस दिन से पहले वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और उन्हें किडनी में ज्यादा परेशानी हो रही थी। हालांकि फिर भी उन्होंने टीवी सीरियल में की मुखिया में इमरती देवी का किरदार निभाया। उनकी बीमारी के चलते जब उनसे बात की जाती थी तो वो हमेशा यही कहती थी कि वो बीमार है लेकिन कमजोर है। हम इस बात से आप समझ गए होंगे कि रीता बहादुरी काम से डर कर भागने वालों में से नहीं थी, बल्कि हर बुरे वक्त को फेस करना वो बखूबी जानती थी। चाहे जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे जिंदगी किसी भी मोड़ पर क्यों ना चली जाए, लेकिन रीता बखूबी जानती थी कि उन्हें किस तरह से पेश आना है। और शायद यही वजह है कि आज उनके चले जाने के बाद भी उन्हें चर्चा का विषय देखा जाता रहा है। वही बता दे कि उन्होंने अपने करियर में कम से कम 70 फिल्मों में और वहीं लगभग 30 टीवी सीरियल्स में काम किया। उनकी खूबसूरत एक्टिंग, उनके दमदार डायलॉग्स हमेशा ही लोगों के बीच रहे हैं। उनके डायलॉग्स जो उन्होंने ईजाद किए वो लोगों के बीच चर्चा का विषय हमेशा ही देखे जाते रहेंगे। तो वहीं बता दें उनके जाने से ना सिर्फ टीवी इंडस्ट्री बल्कि बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं गमगीन है, क्योंकि जो सभी अभिनेत्री ने अपने इतने साल बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए, टीवी इंडस्ट्री को दिए, उनके चले जाने से हर किसी को गहरा सदमा तो लगना ही था। अब टीवी के साथ साथ बॉलीवुड सितारे भी उनके जाने के बाद शोक व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वहीं एक बार फिर से डॉक्टर हाथी के निधन की तरह ही ये तो लोगों को गहरा धक्का लगा कि अचानक ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब इस साल अगर देखा जाए तो बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से ऐसे कई दिग्गज सितारे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा चुके हैं, जिसकी कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब इन बातों से आप समझ गए होंगे कि ये साल बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री के लिए काफी बुरा साल साबित हो रहा है, क्योंकि जहां एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो लोगों की उम्मीदों से परे हैं, जहां से समय का कोई भरोसा ही नहीं कि कब क्या हो जाए, कब क्या बुरी खबर मिल जाए। दोस्तों देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रीता बहादुरी के बारे में, जिनके निधन से एक बार फिर से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री हिल गई, क्योंकि किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जहां टीवी शो में वो अभी तक भी नजर आती थी, अभी तक भी वो इमरती देवी का किरदार निभाती नजर आती थी छोटे पर्दे पर, वहीं अचानक ही उनको ऐसा कुछ हो जाएगा कि उन्हें दुनिया से अलविदा कहना पड़ जाएगा। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किडनी की परेशानी की वजह के चलते उन्हें पिछले 10 दिन से लगातार दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी अपने काम से उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बीमारी और अपने काम के चलते उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि वो बीमार हैं, कमजोर नहीं। यानी इस बात से तो ये साफ है कि वो काम से हार मानने वालों में से नहीं थी, और अपनी जिंदगी के इस पड़ाव में भी वो जिस शानदार तरीके से एक्टिंग करती थी वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है। हालांकि आज वो भले ही हम सब के बीच में ना हो, लेकिन उनकी यादों के सहारे हमेशा ही उनको उनके फैंस के बीच जिंदा देखा जाता रहा का। तो दोस्तों ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।